सफलता मिली है, एक एक विकेट। फिर से उठा के खेलने का प्रयास किया, यहां पे विकेट और जिया। दो ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट होते हुए मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पे बंगाल टाइगर्स के लिए, और एक बार फिर इस मुकाबले ने करवट ली है। मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश कप्तान जिशु की, और देखिए वापस कोई शक नहीं अंपायर के मन में, अंपायर सदानंद विश्वनाथ। और तरुण ने जिशु का विकेट निकाला 101 पे चार। शीश और सैंडी अभी क्रीज में बंगाल टाइगर्स के लिए। और एक बार फिर गेंद घूमती हुई, सवाल पूछा, पर ऐसा लगा इस बार हाइट ज्यादा थी, और ये कारण एम्पायर सदर विश्वनाथ ज्यादा प्रभावित नहीं। और ये थी जो बड़ी विकेट थी, जिशु पूरी तरह सेट हो चुके थे, क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया, और एक बार फिर गेंद पिछले पांव में लगती हुई। फाइन लेग की दिशा में एक रन। अब रन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, जो दो सेट बल्लेबाज थे वो आउट। वापस पवेलियन में दो नए बल्लेबाज सैंडी और इंद्रशीश मैदान में। यहां से अगर अब बंगाल टाइगर्स 130 140 बनाती है तो कहना पड़ेगा कि ठीक ठाक स्कोर होगा, आसान नहीं है इस सतह पे रन बनाना। क्या रोहन, जब जॉय और जिशु बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था 170 भी अचीवेबल है, जिस अंदाज से वो खुल के खेल रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे, 5 छक्के अभी तक लग चुके हैं इस इनिंग्स में। एक बार फिर इस मुकाबले ने करवट ली है, वो कारण है जिस बार तरुण को एक विकेट मिली, इससे पूर्व जो ओवर डाला सचिन जोशी ने उनको विकेट मिली। एकदम बदलाव आया इस मुकाबले में, ये क्या बढ़िया ओवर, दो रन ही खर्चे, एक सफलता मिली है तरुण को। फिर से चकमा दिया, बेहतरीन ओवर की समाप्ति 14 ओवर के बाद 103 पे चार। एके,